प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाना चाहिए और, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चीज़ प्रेगनेंसी के लिए किस दिन रिलेशन रखने चाहिए? अभी मैं आपके साथ ये सात टिप शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें से ये थर्ड और फोर्थ टिप तो मेरी फेवरेट टिप्स है क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ टिप को फॉलो करके ही है तो फर्स्ट टिप है प्रेगनेंसी के लिए महिला की बच्चेदानी ओवरीज अंडे और पुरुष के स्पर्म्स की क्वालिटी का ठीक होना बहुत जरूरी है और इसलिए डॉक्टर्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले महिला और पुरुष को कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं ये सब सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपकी बहुत मदद करते हैं और ये सब न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन आप बीटरूट और बाकी हरी सब्जियों को कंज्यूम करके भी ले सकते हो और प्रेगनेंसी से पहले आपको ये सब लेना भी चाहिए दरअसल ये सब कंज्यूम करने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं खैर इसके बाद अगली टिप है देखिए जब पति और पत्नी रिलेशन रखते हैं तो कपल्स को रिलेशन रखने से पहले इसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल की रिलेशन किस दिन रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए और कई पुरुषों को तो अपनी फीमेल पार्टनर के प्राइवेट एरियाज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती तो इसलिए अब जरा ध्यान से देखिए फीमेल की इस जगह तीन होल्स होते हैं पहला ये जहाँ से फीमेल यूरिन पास करती है दूसरा ये जहाँ से फीमेल पॉटी करती है और तीसरा ये बीच में और इस होल में ही पुरुष का जाता है और स्पर्म्स रिलीज करता है और ये होल ऊपर बच्चे दानी से कनेक्टेड होता है और इसी होल से ही पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है और दोस्तों पुरुष और महिला को रिलेशन रखने से पहले फोर प्ले करना चाहिए और फोर प्ले के बारे में मैंने थर्ड पॉइंट में डिटेल में बात करी है अब दोस्तों बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट टिप की देखिए अगर आप हफ्ते में चार से पाँच बार रिलेशन रखते हो तो फिर तो आप सही डायरेक्शन में हो और आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट हो ही जाओगे लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जब कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाने वाले उस एक दिन के बारे में पूछती है तो मुझे बहुत निराशा होती है क्योंकि ऐसा कोई फिक्स दिन होता ही नहीं है हाँ अप्रोक्सीमेट ऑप्यूलेशन डे आप कैलकुलेट कर सकती हो पर इससे कोई फायदा नहीं होता आपको टाइम निकाल कर अपनी फर्टाइल विंडो में रोज रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे और फर्टाइल विंडो अगले पीरियड से 14 डेज पहले आती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अगले पीरियड की 29 है, तो आपकी फर्टाइल विंडो हुई थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन और फोर्टीन यानी थर्टीन से लेकर ट्वेंटी ये पूरी विंडो आपकी फोरटाइल विंडो मानी जाएगी और इस केस में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ये सारे दिन रिलेशन बनाने ही चाहिए चलो एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं मान लो कि आपके अगले पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट सिक्सटीन है तो अब इस केस में फोरटाइल विंडो कैलकुलेट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन और फोर्टीन यानी इस केस में फोर्टाइल विंडो पिछले महीने की थर्टी डेट से लेकर इस महीने की सेवेंथ डेट तक होगी और इसलिए ही इस केस में प्रेगनेंसी करने के लिए आप 30 से लेकर तक हर दिन रिलेशन बनाइए क्योंकि ऐसा करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे उसके बाद अगली टिप है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला पार्टनर का ये एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये देखिए ये है महिला की बच्चेदानी और दोस्तों पुरुष के शुक्राणु यहीं से गुजरते हुए ऊपर अंडे तक पहुंचते हैं और ये रास्ता स्पम्प्स के लिए बहुत मुश्किल होता है मतलब यहाँ बच्चे दानी के मुंह के पास तो करोड़ों स्प्स होते हैं लेकिन इन करोड़ों स्पम्प में से सिर्फ दो या तीन हजार स्पम्प्स ही ऊपर अंडे तक पहुंच पाते हैं और बाकी बचे हुए करोड़ों स्प्स इस बीच वाले रास्ते में मर जाते हैं और सिर्फ एक स्पम ही अंडे के साथ फ्यूज होता है और अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है और अगर महिला को प्रेग्नेंट होना है तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सारे केसेस में तो महिला इसलिए ही प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि पुरुष पार्टनर का एक भी स्पम ऊपर अंडे तक पहुँचने में कामयाब ही नहीं हो पाता और दोस्तों इसलिए ही इस रस्ते को आसान बनाने के लिए रिलेशन बनाते टाइम पुरुष एक चीज कर सकते हैं दोस्तों जब महिला रिलेशन बनाते टाइम सेटिस्फाई होती है मतलब उत्तेजित होती है तो यूट्राइन यून की वजह वजह से से स्पर्म्स स्पर्म्स को एक तरह का, धक्का लगता है जिसकी ऊपर अंडे तक पहुंच जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और देखिए जो कपल्स सिर्फ इसलिए रिलेशन बनाते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके तो उन कपल्स को मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए ऐसा करने से पुरुष और महिला दोनों को ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जिसकी वजह से पहली चीज तो ये होती है कि पुरुष के स्पर्म सही तरह से रिलीज ही नहीं हो पाते और दूसरी चीज होती है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती पुरुष को तो रिलेशन बनाने से पहले और रिलेशन बनाते समय महिला के इन सभी पॉइंट्स को टच करना चाहिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनको छूने से महिला पार्टनर उत्तेजित होती है और उनकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से स्पर्म्स को धक्का लगता है और महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और इसके बाद अगली टिप है अगर आप एक पुरुष हो तो ये उन फूड की लिस्ट है जो आपको जरूर खानी चाहिए ताकि आपकी फीमेल पार्टनर जल्दी प्रेग्नेंट हो सके और अगर आप एक फीमेल हो और जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो आपको इन सभी चीजों को अपने पति को जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि इन सभी चीजों में ये सब न्यूट्रिशन और वाइटामिन होते हैं जो पुरुषों के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि दोस्तों ये है पुरुषों का प्राइवेट एरिया और ये यहाँ जाकर महिला के शरीर में स्पर्म्स रिलीज करता है और अगर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और दोस्तों कई पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ रिलेशन नहीं रख पाते और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और ये प्रॉब्लम आज के समय में बहुत कॉमन है लेकिन कई कपल्स इसके बारे में किसी से डिस्कस ही नहीं करते तो इसलिए ही

ढंग से काम करता है और साथ ही पुरुष के स्पम्स की क्वालिटी भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से महिला जल्दी प्रेग्नेंट हो पाती है और दोस्तों इसके साथ ही पुरुष को अपने इस एरिया को क्लीन भी रखना चाहिए क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन या फिर डर्टीनेस की वजह से स्पम्स की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है इसके बाद अगली टिप है ये है वो रास्ता जहाँ से आपकी पॉटी निकलती है और दोस्तों इंसान की हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम यही से ठीक हो सकती है।, मतलब अगर आपके है, आपका हमें जो आती है हम उसी से अपनी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस में है या नहीं और अलग अलग तरह की पॉटी अलग अलग तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और इन सब में से सबसे हेल्दी ये दो तरह की पॉटी होती है और आपकी बॉडी भी हेल्दी जब ही होगी जब आपको इस तरह की पॉटी आएगी और दोस्तों शरीर से वेस्ट सही तरह से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर वेस्ट सही तरह से बाहर आएगा तो आपका ब्लड प्योर रहेगा और जिसकी वजह से आपके अंडे अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और साथ ही आपको पीरियड्स भी नॉर्मल रहेंगे और इसलिए ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है ईट मोर फाइबर रिच फूड्स जब आप फाइबर रिच फूड खाते हो तो आपकी डाइजेशन पावर इंक्रीज होती है आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे दानी और अंडों की सेहत अच्छी होती है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो ये है उन फूड्स की लिस्ट जिनमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है तो इसके बाद दूसरी टिप है यूज इंडियन टॉयलेट दोस्तों इंडियन टॉयलेट यूज करने से सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपकी एक्सरसाइज होती है और नीचे के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है की आपके शरीर से वेस्ट अच्छी तरह से और स्मूथली बाहर आ जाता है तो आप इंडियन टॉयलेट से यूज करें और दोस्तों एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते करते काफी टाइम हो गया है मतलब एक साल से ज्यादा हो गया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी महिला आसानी से प्रेग्नेंट भी हो सकती है तो इसलिए ही डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें